ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਕਿਹੜਾ खिडारी ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚ? ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜੀ। ਸ਼ਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 150 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੀ ਉਹਨੇ। ਬੋਲਰ ਸ਼ਮੀ, ਬੁਮਰਾ ਤੇ ਸ਼ਮੀ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। मैच फिक्स है मैम। फिक्स है कितना मैम? 50-50 से कौन ऑल आउट होता है? सेमीफाइनल आ किन्ने के एक्साइटेड हैगे हो? सेमीफाइनल वास्ते एक्साइटेड तो हैगी हैं जी, बाकी देखो की बनता है। डर लग रहा है मैम, फिर तो चौक ना कर जाइए। कोहली का चलना चाहिए जी, 50वीं सेंचुरी चाहिए। बैट्समैन तो साढ़े टॉप स्टार रोहित शर्मा स्टार्टिंग चल रही है, गिल बहुत अच्छा चल रहा है। विराट कोहली खड़ा है तो कोई मैच हारे नहीं गिना जा सकता, चाहे स्कोर ओपोजिट का जिन्ना मर्जी हो। इस बार इंडिया हराएगा पक्का, बड़े मार्जिन हराएगा जी। विराट कोहली की 50वीं सेंचुरी की सबनूं एक्सपैक्टेशन हैगी है, भी वर्ल्ड कप पूरी हो जाएगी। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी, मैं नीलम क्वीन। प्राइम मूवीज़ प्रोग्राम दे विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदी आं। इह तां सारिआं नूं पता ही है कि वर्ल्ड कप जिहड़ा आ ओह चलदा पिया आ ते सैमीफाइनल दे विच इस वारी फिर तो जिहड़ा आ मुकाबला होण लग्गिआ आ जी न्यूजीलैंड ते इंडिया दा। 2019 दे विच जदों होइआ सीगा मैच, उदों भी न्यूजीलैंड इंडिया दा ही मैच सीगा, पर न्यूजीलैंड की जित हो गई सी। हुण इस बारी फिर उही मैदान दे विच खड़े होए ने जी दोनों टीमां, ते हुण देखते हैं कि कौन जितदा। वैसे साडी सपोर्ट तो ओबवियसली इंडिया ने होनी है, पहला भी 9 ਦੇ 9 मैच जिते आ, हुण भी असीं जित के जिहड़ा वर्ल्ड कप दे विच चले जाना। बाकी लोकां दे नाल गल्लांबातां करदे किहड़ा खिडारी उन्हां नूं वधिया लगदा आ, कि एक्साइटमेंट हैगी आ, कि मतलब हुंदा ना कि किने ज़्यादा विकेट लैनिया जां किने ज़्यादा रन मारने आ। देखते हैं गल्लांबातां करदे कि की एक्साइटमेंट हैगी मैच देखण वाले दी। आओ चलदे हैं, गल्लबात करदे हैं। कित्थों दे हो? कहां से? हरियाणा। सारे हरियाणा तो? ओके, की करदे हो? कुछ नहीं, आइल्स की तैयारी, इंटरव्यू के लिए। सारे जने कित्थे जाना? यूएसए। डोंकी बिहार यूएसए। फिर तुसीं काहतों आइल्स दी तैयारी करदे? डोंकी लाने नहीं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर इंटरव्यू नहीं होया तो सेकंड ऑप्शन रखी हुई है। जी ये लाइव है? लाइव नहीं, मेरे गांव वाले को पता चल जाएगा। मैं अच्छा इधर आओ, मेनू ये दसो कि क्रिकेट वगैरह कोई देखते हो तुसी? स्कोर देखा। ओके, सेमीफाइनल आ, तुहानू की लगदा कि न्यूजीलैंड जितेगी या इंडिया जितेगी? केड़ा खिडारी वधिया लगदा इंडिया च? सारे ही है। बॉलर शमी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसबीर। अच्छा, जो 2019 च होया सीगा उदों तुसीं देखिया सी किसी ने मैच? हां देखिया सी, उदों भी न्यूजीलैंड दे नाल ही सी, पर उदों हार गए सी। हुण लगदा है कि चांसेस हैगे आ सेमीफाइनल में आ रहे, लेकिन अब की बार जीतेंगे। वर्ल्ड कप जीतेंगे कि सेमीफाइनल जीतेंगे? वर्ल्ड कप है एक तरफा, क्योंकि मैम इनकी बार मैच फिक्स है मैम। फिक्स है कितना मैम? 50-50 से कौन ऑल आउट होता है? वाई आर नॉट सपोर्टिंग इंडिया? कौन आप? नहीं, मैं सपोर्ट करती, मैं सारे पब्लिक दा पुछदी पई ना, हर किसी दी अपनी अपनी चॉइस हुंदी आ। अच्छा, इस बारी जिदा हुण तक जिन्ने भी मैचेस होए आ, 9 ਦੇ 9 मैच जीती आ इंडिया, है ना? ते तुहानू केड़ा तुहानू लग्गिआ कि प्लेयर आ जिन्हें बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस इस बारी सारे मैचेस दे विच दिखाई आ? कौन सा प्लेयर है? रोहित शर्मा। सेमी बॉलर्स ने किया, लगभग बॉलर्स ने किया, बैट्समैन ने नहीं की। नहीं, उनका कोई हाथ ही नहीं इतना, मतलब थोड़ी बहुत की है, करेगा ना 50 पे बॉलर तो बॉलर ही करेगा ना। बात ये पॉइंट की है, फोकस हो रहा है, फोकस ही है हो सारा, फोकस ही है। अच्छा, तो सैमीफाइनल दे विच हुण आपां सारे ने तां पूरा उन्हां नूं सपोर्ट तां करनी हैगी है, है ना? क्योंकि असीं फाइनल च पहुंच के फाइनल वर्ल्ड कप भी जितना हैगा है। तो तुसीं की कहोगे जां अपने फेवरेट खिडारी नूं की कहोगे? पहला तुसीं किन्नू? शमी नूं। ओके, की कहोगे? ऑल द बेस्ट और 5 विकेट तो होने चाहिए। केड़ा खिडारी? विराट कोहली। की कहोगे? अच्छे से खेले, बस शतक। दोहरा? यस ओके। विराट कोहली और रोहित शर्मा डबल सेंचुरी होनी चाहिए आपकी बार। मैं तो सारे ने कहूंगा जी, खांच के रखो भाई मीटर, सारे के फिल्टर पड़ते हैं। मैं जी रोहित शर्मा ने कहूंगा जी, इंस्टाग्राम पे जी मैसेज सीन कर ले। मैसेज कितना ही हां जी बहुत कितने मैसेज तो हमने सभी के पास है भाई भाई टिकट टिकट दिला दे कुछ टिकट फ्री करवा दे एक मैच मेरे को खिलवा दे बिजी है ना मैसेज देख नहीं पा रहे हो तो मेरे को खिलवा दे मैं खेल अच्छा यही कहना सी ਤੁਸੀਂ बस ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ के कहना बस सेंचुरी मार ले 30 छक्के कम तक कम होने चाहिए चलो ठीक है ओके जी थैंक यू सो मच जीता जी ठीक हो हां जी हां जी बढ़िया जी किधर भजे जा रहे सीगे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਚਾਟ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਜਵਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨਾਲ ਦੇ ਮਮਾ ਬੈਂਕ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਮ ਮੁਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਈਟੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈਦਾ ना टाइम लग गया था चलो फिर इस बार तो वर्ल्ड कप सारे एक्साइटेड भी नहीं हाँ जी देख रहे हैं अप्रोक्स सारे मैच देखे हैं मैंने उन सेमीफाइनल आ किन्ने के एक्साइटेड हैगे हो सेमीफाइनल वास्ते एक्साइटेड तो हैगी हैं जी बाकी देखो की बनता है अगे अच्छा 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਹਨਾ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਚ ਮੈਮ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਹਾਂ साडे एरिया तो ही नहीं तो मेन तो पहले नंबर ते दूसरे नंबर ते विराट कोहली हां जी अच्छा ते इस बारी तो जेड़ा लास्ट मैच होया सी नीदरलैंड दे नाल ही उन्होंने तो बॉलिंग भी कराई सी देखिया है मैच हां जी हां जी और सारे ने बॉलिंग करवाई है चलो ठीक है एंजॉयमेंट उन्होंने भी हो गया सारे दा बहुत मेनू लगदा कि देखण वाले ने भी ज्यादा एंजॉय किया कहंदे पार्टी हो रही है अभी तो हां जी हां जी विकेट भी ली सी कोहली ने हां जी श्योर हो गया सी ना फिर मतलब आई थिंक उन्होंने इंटरनेशनल पहली विकेट है वो हां बिल्कुल हां जी हां जी हां ओके अच्छा ते ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਬੌਲਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬੌਲਰ ਮੈਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਟ ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣ ਬਸ ਐਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਗਰ ਬੌਲਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਫਸਮੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਬਟ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਾ ਨੌਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਂ पहले तो चलो ठीक सी चल रहा सी काम बट नॉकआउट है तो नॉकआउट करके तो फिर रिस्क तो है हुन 50-50 डर दिया भी लगदा क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਨ ਇਫ ਐਨੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੱਥ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਜਰੂਰ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਚ ਆ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਦਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਪ ਹਾਂਜੀ राश नहीं दिखाते आज वैसे ही छुट्टी खत्म हुई है ना है मेनू लगता दिवाली तो नहीं वापस मोड खत्म हो गया ना फेस्टिव मोड थोड़ा कदों तो इत्थे हैगे हो तुसी 1.5 साल हो गया जी हैगे बैकग्राउंड कित्थों दा मैं भोपाल तो आता मध्य प्रदेश अच्छा मेनू ये दसो क्रिकेट देखदे हो हां जी बिल्कुल ओके हुण सेमीफाइनल आ पुराने सारे मैच देखे सीगे सारे देखे जी किने सब तो वधिया तुहानू लग्या कि इना मैचेस दे दौरान वधिया खेडिया ਲਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ 9 ਦੇ 9 ਮੈਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਬੌਲਰ ਕਿਹੜਾ ਬੌਲਰ ਸ਼ਾਮੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਆ ਹਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ 2019 ਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਕ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਬਟ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈਗੇ ਆ इस बार सारे ने ये भी हो रहा है ना कि 9 दे 9 मैच जीते हैं भाई हुण भी जिता दे पिछली बार भी जीते ही सी सारे मैचेस एंड से आके रुक गए सी बट इस बार लग तो रहा है देखो बाकी टीम बनता न्यूजीलैंड की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है इस बार चंगी तरह हराया कौन हराया बिल्कुल बिल्कुल हुण देखो अच्छा तो तुहानू की लगदा कि सेमीफाइनल दे विच भी किदा बल्ला चलूगा या किदी बॉलिंग चलूगी कोहली दा चलना चाहिदा है जी 50th सेंचुरी चाहिदी है ओदी हां बिल्कुल फिर रोहित शर्मा की भी स्टार्ट चंगी होनी चाहिए तां ही जितांगे नहीं तो मुश्किल है अच्छा नीदरलैंड नाल जेड़ा होया सी देखिया सी जदों बॉलिंग भी कराई सी बिल्कुल बिल्कुल दोनों ने विकटा लिया रोहित शर्मा ने भी सॉरी कोहली ने विकटा लिया बॉलिंग दोनों ने कराई सी जी रोहित शर्मा ने भी एक विकेट लास्ट वाली ली सी जी हां जी अच्छा इस बार सेमीफाइनल च लेना चाहिए बॉल की बॉल करानी चाहिए जी मौका ही नहीं देना इन्हां नूं बॉलिंग दा शौक है अपना काम करन दी, कोई लोड नहीं इन्हां नु। हां जी। अच्छा फेवरेट खिडारी केड़ा? विराट कोहली। विराट कोहली है। अच्छा की कहोगे कि सेमीफाइनल आ भी पाई है, ही फाइनल जित के भी जाना है। बस अपने न्यू बॉर्न ਲਈ ਗਿਫਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਤਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ। ਓਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं आईटी कंपनी है। अच्छा जी। इधर हुण खान पीन आए सी कि वैसे ही घूमना है? बस घूमन आए सी, बच्चों नूं म्यूरल क्या एक्वेरियम दिखाना आए सी। आही तो काफी टाइम दा ही लग्या होया है। हां जी ते फिर खान पीन आ रहे हो। हां बिल पेट पूजा भी जरूरी है ना। हां जी। अच्छा क्रिकेट लाइक करदे हो? हां वो लगदा है ते हुण तो वर्ल्ड कप चलदा पिया, सारे मैच देखे सीगे? हां जी सारे देखे। केड़ा लगदा सी खिडारी इस बारी सब तो वधिया परफॉर्मेंस रही है? अपना जिहड़ा कैप्टन थे उते है ही रोहित शर्मा, ठीक है जी। बाकी की नाम कोहली ते नेचुरली एक ऑलराउंडर और मतलब जिन्हों कह सकते हो कि एक मतलब बैकबोन है उते। बिल्कुल 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 ठीक है। ते कल दा मैच दी उड़ीक है हुण सेमीफाइनल दी ना। अच्छा हुण जिद्दां 9 दे 9 मैच तां जिते आ है ना, सारे खुश भी है कि वाह आपां ना बिल्कुल अगे तक पहुंच गए हैं। फिर ना जो मोहरे जे आ जाते हैं सैमीफाइनल, थोड़ा जि दिल ज डग मुका है चलता पिया, पर मेरे ख्याल नाल टीम बड़ी कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस इस करके नहीं है कि मतलब तुसी सिर्फ जितते आ रहे हो, ओवर टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो चुका है। मतलब एक्सपीरियंस मतलब स्ट्रॉन्ग ते उस तो बाद ही होएगा ना। एक्सपीरियंस इन्ना है कि अगर एक भी की प्लेयर डाउन करता है, दूसरा प्लेयर आके पीछे बैकबोन की तरह टीम संभाल लेगा। या तो बैटिंग साइड संभाल लेंगे या फिर बॉलिंग साइड संभाल लेंगे। जिदा तुसी क्या रोहित शर्मा ते विराट कोहली ने बहुत ही सोहना खेडिया इन्हां मैचेस दे दौरान, ते तुहानू की लगदा कि जिहड़े बॉलर ने केड़े वधिया रहे? आशिम की नाम है, शमी बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा बंदा। ते सेमीफाइनल दे विच किदा जादू चलण वाला आ? टीम परफॉर्मेंस पूरी टीम। हां मतलब एक प्लेयर ते तुसी अगर आईज रख के बैठोगे ते तानू ओदी प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं, तुसी ओनू फिर टीम नू क्रेडिट नहीं दे पाओगे। टीम दा ही पूरा एफर्ट्स लगणगे ते। ओके ते अपनी टीम नू फिर की कहोगे? ऑल द बेस्ट एंड कप अपना ही है, अपना ही है कप। ओके थैंक यू सो मच जी। थैंक यू जी। किदा जी ठीक हो? बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। वैसे भी हुंदा क्रिकेट दा सीजन है, सारा कुछ ही वधिया है। मैं तो पहला गल चकती तुसी। ओके मतलब सारे मैच देखे आ? सारे मैच देखे। मैं 83 तो क्रिकेट देखदा आ रहा हूं, जद वर्ल्ड कप इंडिया कपिल देव कप्तान ਸੀਗਾ। हां 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 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਲੈਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 150 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਟਰੋਂਗ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਲੈਪਸ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ 50 ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਪਲੱਸ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। अच्छा तो जिन्हें हुण तक मैचेस हुए आ, तुहानू की लगदा कि किने बहुत ही वधिया, वैसे तो सारी टीम बहुत ही वधिया रही आ, सारे ने वधिया खेडिया आ, कुछ को हुंदे ना खिडारी कि इन्हां दी बदौलत इन्हां ने बहुत सोहना खेडिया इन्हां मैचेस दे दौरान, वर्ल्ड कप दे दौरान। कोई बैट्समैन जां बॉलर जिहड़े तुहानू लगे कि हाँ ये वधिया सीगे इन्हां मैचेस दे दौरान? प्लेयर तो सारी टीम दा रोल हुंदा है, लेकिन सब तो वधिया प्लेयर बुमराह ते शमी बॉलर इन्हां दी बदौलत जे साडा पहला स्टार्टिंग दी विकेट ना मिले तो हाल साडा बहुत माड़ा हो जांदा है। फिर साडा बॉलिंग दा स्टांस भी टुट जांदा है ते बॉलिंग भी बहुत घटिया लेवल दी हो जांदी है, क्योंकि असी हर एक मैच 5 बॉलरां नाल बॉलिंग करी है, साडे कोल 6 बॉलर है नहींगा। इस करके सानू 5 बॉलर जे ना फिट बैठन, स्टार्टिंग दी विकेट साडी ना मिली तो सानू बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। ते बैट्समैन तो साडा टॉप स्टार रोहित शर्मा स्टार्टिंग चल रहा है, गिल बहुत अच्छा चल रहा है, हुण तो अक्षर पटेल भी आ गया, वो भी काफ़ी अच्छा। अच्छा तो वैसे तो हर किसी एक ना वैसे टीम नू असीं पूरी नू सपोर्ट करते हैं, पर एक अपना फेवरेट हुंदा है खिडारी, तुहाडा किहड़ा फेवरेट है खिडारी? फेवरेट तो 83 दे देखते आ रहे हैं, ओवर 100 तो प्लस पता होंगे, लेकिन इस टीम जो होण जेड़े खेडन दे आ इस दे टीम दे विच सारी वधिया। वैसे विराट कोहली ज़्यादा मिस्टर डिपेंडेबल है, क्योंकि विराट कोहली खड़ा है तो कोई भी मैच हारे नहीं गिना जा सकता, चाहे स्कोर ओपोजिट का जिन्ना मर्जी हो। नीदरलैंड नाल जिहड़ा मैच होया सी उहदे विच विराट कोहली ने ते रोहित शर्मा ने तो विकेट भी ली सी, हुण ओवर देने चाहिए कि नहीं उन्होंने? नहीं नहीं, वो तो एक फन सीगा क्योंकि जिते हुए सी नीदरलैंड दी टीम सी, लेकिन वो नहीं करना चाहिए क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिहड़ा विराट कोहली दी बॉलिंग है अनुष्का शर्मा दे मूरे बहुत माड़ी हो जाऊगी जे उन्होंने ओवर देता। वो प्लेयर सीगा वो चलदा सी काम, लेकिन ये नहीं चलना, इसका बहुत रिस्की हो जाऊगा। इन्होंने नहीं बॉलिंग देनी चाहिए, अपना बल्ला ही सांभणो हो, बल्ले 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 नाले बल्ले बल्ले है, अदरवाइज तो बहुत बेकार हो जाऊगा। ओके, टीम नु की कहूंगे क्योंकि सेमीफाइनल है हुण, बस सारे दी अख उस कप दे उत्ते आ। हां श्योर श्योर, वैसे तो मैं एक गल होर सोचदा हां हां इस दे विच, चलो वैसे तो बीसीसीआई ने आईसीसी ने करना हुंदा है, जिहड़ी अनबीटन टीम है उहनू वाक ओवर फाइनल देना चाहिए, क्योंकि नहीं फिर उहनू जितन दा की फायदा। जे सपोज कर लो वन टाइम इंडिया न्यूजीलैंड तो हार जाता है, हाँ जी न्यूजीलैंड 3 मैच हारिया हुआ, इंडिया पहले ही मैच हार के गेम आउट ऑफ गेम हो जाऊगा। ये भी थोड़ा जिहा ध्यान होना चाहिए, जिवें एशिया कप दे विच सीगा जे 1 ते 4 दे विच 4 नंबर टीम जित्ती जाती है, 1 नंबर वाले नूं दूजा चांस दोबारा मिलता सी, 2 ते 3 दे विच जिहड़े जित्तिया हुंदा सी उहदे नाल खिलांदे सीगे। आप तो हारना ही नहीं, नहीं हारना नहीं, लेकिन एक ये एक मेरी वर्शन है भी इदां होना चाहिए है, ये होना चाहिए भी, ये जरूरी है, इहनूं ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ। ਕਲੈਪਸ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਲੈਪਸ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤੂਗਾ ਪੱਕਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ। ਓ ਵਾਓ, ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਜੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈਏ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘੁੰਮਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੂਰਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਚਾ ਆਇਆ? बहुत चाह है जी, कल असी ताइयां जाए जी, कल असी उत्ते मैच देखना है, नहीं तो कल बिजी है जी क्योंकि मैच भी जल्दी स्टार्ट होया 12:30 तो बिजी है। जब मैच कमेंट्री शुरू हो असी बैठ जाएंगे टीवी पे देख। हां जी हां बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हुण तक जिन्ने मैच होए आ सब तो वधिया परफॉर्मेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੀ ਲੱਗੀ? वैसे ਤਾਂ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੀਮ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੋਲਿੰਗ बदनी वधिया है। बॉलिंग का इस टाइम इंडिया की नंबर 1 है जी, तो 9 दे 9 मैच इंडिया जिते है। असं एक्सपैक्ट करा वर्ल्ड कप इंडिया जितूगा। तो परफॉर्मेंस देखो विराट कोहली तो है ही है जी, किंग है, वो सारा कुछ उन्होंने कैप्चर किया हुआ। मोहम्मद शमी की बॉलिंग बड़ी अच्छी है, बुमराह या फिर कुलदीप यादव जी, प्लेयर तो सारे अच्छे हैं। हम आप एक कह नहीं सकते कौन ज़्यादा अच्छा है या कौन घट अच्छा है, अच्छे सारे ही हैं। अच्छा, 2019 के भी न्यूजीलैंड के नाल ही सीगा मैच, उदों थोड़ा जिहा पिछे रह गए ही आपां, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 9 ਦੇ 9 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਆ, 10ਵੇਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਐਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਬੀਟਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ कोई ना कोई मैच हारे हैं। न्यूजीलैंड को पहला भी हरा लिया इंडिया ने, इस बार इंडिया हराएगा पक्का, बड़े मार्जिन में हराएगा जी, पापा ही लेके जाना पक्का जी, पक्का पक्का। पिछली बार भी इंडिया 2011 च इंडिया च वर्ल्ड कप वैसे तो इंडिया जितया सीगा, ते आपां देखदे आं। देखो 2015 च भी आस्ट्रेलिया जितया तो आस्ट्रेलिया च कप सीगा, 2019 च इंग्लैंड जितया इंग्लैंड च कप सीगा, इस बार 2023 च इंडिया च ते इंडिया जितया इंडिया जितूगा जी। अच्छा, तो नीदरलैंड दे नाल भी देखिया ही ना तुसीं मैच जिहड़ा होया सीगा, ते विराट कोहली ने ते रोहित शर्मा ने भी ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਟ ਹਾਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਕ ਵਿਕਟ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਵਿਰਾਟ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਚ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ जी, बॉलिंग तो सारे निकला ली, 2-3 बंदे रह गए जिन्होंने नहीं कराई। कमेंट्री होता रही सी, अभी लगता है कि श्रेयस को भी देंगे ओवर, जेड़ा बच गया सी जी बस वही 1-2 जने रह गए सी, बाकी तो सबने कराई सी। जितेगा इंडिया, जितेगा इंडिया, जितेगा। हां जी हां, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਫੇਵਰਿਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ 50th ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਤਣਾ। एक्सपैक्टेशन तो विराट कोहली तो बहुत ज़्यादा इंडिया नू सारे नू, बाकी बॉलर्स जे डोमिनेट करेंगे फिर तो इंडिया जीतू भाई। ओके जी, थैंक यू सो मच। सो सैमीफाइनल के बारे गल्लबात कीती हैं असीं लोकां दे नाल, सारे एक्साइटेड आ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हैगी क्योंकि मैनू भी क्रिकेट परसनली बहुत ही पसंद आ। विराट कोहली मेरे फेवरेट आ, शुभमन गिल भी मैनू बहुत ही वधिया लगदे आ। ते हाँ हुण देखदे आ कि इस वार की धमाका होने वाला। धमाका की पता ही हो, जितते ही हैं, पर फिर भी तुहाडा इहदे बारे की कहना है कि कौन जितूगा, किदी तुहानू वधिया परफॉर्मेंस लगी इन्हां जिन्ने भी मैचेस होए उन्हां दे विच, भावें वो बॉलर होवे जां कोई बैट्समैन? कमेंट करके दस्सिओ। जे प्रोग्राम वधिया लगे उन्होंने लाइक भी करें, शेयर भी करें। हुण मैनू दिओ नीलम क्वीन नू इजाजत क्योंकि जाके मैं सैमीफाइनल भी देखना। टेक केयर, बाय, रब राखा।